ये क्यों जरूरी था इस वक्त आना इसका बल्कि पाकिस्तान में करिकुलम का आना क्यों जरूरी था ट्रेंड्स और प्ले की बात करेंगे बहुत सारे फॉल्स ट्रेंड भी हैं ट्रेंड्स भी हैं जो इस वक्त रेगुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और इसके बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस वक्त आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है पहले एस एन पे बात करते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम इज बेसिकली द सेम करिकुलम फॉर एवरी वन विच मीन प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल और मदारिस में एक ही किस्म का कोर्स होगा अब ये बात सुनना ही गवारा नहीं है काफी लोगों को तो इस पे इसको देखना तो दूर की बात है ठीक है ये सुनने में ही मजा नहीं देगा काफी लोगों को और नहीं दे रहा इसी वजह से इतने ज्यादा गलत ट्रेंड इसके ऊपर चल रहे हैं मैं उनकी जो है एग्जाम्पल के साथ आपको वो दिखाऊंगी ये इसलिए आया आया है टू रिमूव एजुकेशनल डिस्पैरिटी यानी कि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म में आके पढ़ें और सबके माइंड्स एक ही तरीके से ट्रेन हों now the question is who am i to talk on this i am performing in education department and i think educationists and teachers are the most appropriate audience to talk over a single national curriculum is pe sab log baat kar rahe hain is pe baat karni chahiye teachers ko aur educationists ko jo ki in systems mein baith ke aur in systems ko samajh ke aate hain मैंने दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं करिकुलम डेवलप वैसे तो और भी पढ़े हैं लेकिन इनके ऊपर curriculum के ऊपर एक curriculum development और ट्रेंड्स एंड इश्यूज का एक सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज यूज करते हुए मैंने इस करिकुलम को देखा है और देन उसके बाद में अब इतना इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकती हूँ सबसे पहले बात करते हैं के ऊपर। ये पांच बहुत हाईलाइटेड इशूज थे कि ये क्वालिटी एजुकेशन को खराब कर रहा है सोशल स्टडीज उर्दू में आ गई है ये एजुकेशनल पॉलिसी का सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट कर रहा है बाकी टीम को वैसे छोड़ दिया गया है इसमें इस्लामिक एजुकेशन बहुत टफ डाली गई है बहुत ज्यादा डाली गई है फिर इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर इसके अलावा कोई और क्रिटिसिज्म है यू आर मोस्ट वेलकम आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं मैं उसका आंसर वहीं पे आपको दे दूंगी अब पहले क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्वालिटी एजुकेशन कैसे डिमेनेज कर रहा है कैसे खत्म कर रहा है या कम कर रहा है ये प्राइवेट सेक्टर वाले स्कूल ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे और ये उसको नीचे कर रहा है देखें आपका स्कूल कोई नहीं बदल रहा आपके रिसोर्स रूम कोई खत्म नहीं कर रहा आपकी एक्टिविटीज कोई खत्म नहीं कर रहा या आपकी पेडागोजी को ही नहीं बदल रहा सिर्फ कॉन्टेंट बदला है और कॉन्टेंट कैसे बदला है आपने देखा होगा मोर और लेस यही सारे टॉपिक्स होते हैं जो साइंस की किताब में होते हैं वो बेशक गवर्नमेंट स्कूल की हो या प्राइवेट की हो या आप वही मैटर या लिविंग नॉन लिविंग इंटरनेट पे भी लिखें तो वो वही बात कहेगा ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों की किताबों में डेफिनेशंस अलग हों इन सब्जेक्ट इन कॉन्सेप्ट की तो ये अगर आपको लगता है कि कंटेंट इसने चेंज कर लिया तो इतना कोई कंटेंट चेंज नहीं हुआ मोर और लेस यही टॉपिक्स होते हैं अच्छा फिर अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में या ग्रामर को इसने पीछे किया है तो आपको किसी ने नहीं रोका आप अपने अरेंज कर सकते हैं आपको लगता है कि ग्रामर ये इतना अच्छा नहीं हमें दिखा रहा जितना हम अपने स्कूल में पढ़ाते आ रहे थे तो आप उसके लिए वर्कशीट इंट्रोड्यूस करवाएं आप वो करवाएं वर्कशीट आप बच्चों को यही सेम टॉपिक्स जिस तरीके से आप पढ़ाते आ रहे थे उसी तरीके से आप पढ़ाते आए मसला कहाँ पे है कंटेंट में कंटेंट तो मेरा नहीं ख्याल इतना बुरे तरीके से बदला है बल्कि कंटेंट में बहुत ऐसी चीजें आई हैं जिनको हमें प्रेज़ करना चाहिए जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आम अल्फाज में मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिक्सटी थाउजेंड है और छह महीने रहने के लिए है या तो आप आज चले जाए और सिक्सटी थाउजेंड खत्म कर दें वरना छह महीनों के लिए टेन 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 बचा के रखें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस करिकुलम में ये प्रमोट किया गया है जो कि इस वक्त जिसकी जरूरत ग्लोबली है पूरे ग्लोब में जिसकी जरूरत है और पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ठीक है तो फॉर ये कहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ गैस कि हम किस तरीके से चीजों को बचा सकते हैं और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहा है ये एस के गोल नंबर फोर को टारगेट करता है एस डीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को ये प्रमोट कर रहा है विच इज अ वेरी गुड थिंग फिर इसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी मजे मजे की एक्टिविटीज थी जो कि एक्टिव लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रमोट कर रही हैं जिसकी आजकल के बच्चों को नीड है हम क्योंकि डिग्री याफ्ता बच्चे प्रमोट कर रहे हैं तालीम याफ्ता नहीं तो इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको महसूस होगा कि बच्चों की एक्टिव लर्निंग बढ़ जा बढ़ी जा रही है बल्कि इसमें स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया गया है दैट इज अनदर टॉपिक उस पर बात नहीं करेंगे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट करिकुलम अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ ये साइंस का करिकुलम है ग्रेड फोर और फाइव का आपको ऊपर नजर आ रहा होगा ऊपर देखें आप पहले डिजाइन पेपर बैग्स एनवेलप्स, कार्ड्स एंड फेस मास्क आपने खुद पेपर बैग्स बनाने हैं एनवेलप्स बनाने हैं, कार्ड्स और फेस मास्क यहाँ पे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि पेंडेमिक को माइंड में रखते हुए उन्होंने एक एक्टिविटी यहाँ पे रखी है फिर नीचे देखें एलईडी uh, लाइट आपने प्रिपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ 12 वोल्ट बैटरी ये वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो मैंने बात की उसके अलावा दोबारा आप यहाँ पे आ जाए लेफ्ट साइड पे गवर्नमेंट को पता चल गया है कि आजकल लोग बच्चे हर किसी के हाथ में सिर्फ मोबाइल्स और टैबलेट्स हैं तो कितने खूबसूरती से उन्होंने उसका एक पॉजिटिव यूज बताया है आप पॉजिटिवली उसको कैसे यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी अगर देखी जाए वो जमाना नहीं कि आप टीवी और मोबाइल सॉरी टीवी और और आपके हाथ में वॉच हो और अलार्म्स पड़े हो तो उन्होंने किस तरीके से एक चीज जो कि बच्चों को बच्चों के माइंड पे जिसमें बच्चे सिर्फ टिकटॉक देख रहे हैं तो उन्होंने एक एक एक्टिविटी बताई है जिसके थ्रू उनको पता लग जाएगा कि फोन में और भी अच्छी चीजें हैं और वो वो काम कर सकते हैं फिर चेक द ब्लड प्रेशर बाय डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर यहाँ पे भी मैं आपको वही बात कहना चाह रही हूँ कि एक्टिव लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया गया है तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये कहीं से क्वालिटी एजुकेशन को डिमिनिश नहीं कर रही और अगर आपको लगता है क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ कॉन्टेंट होती है तो यू आर रॉन्ग आई एम रियली सॉरी यू आर रॉन्ग क्योंकि ना प्राइवेट अगर पब्लिक स्कूल में नहीं है तो ये दो चीजें प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है पहला डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और इंक्लूसिव एजुकेशन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि आप एक क्लास में डिफरेंट आईक्यू लेवल के बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल्स को सूट करते हुए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें ये तो नहीं हो रहा कहीं पे भी ठीक है मैं खुद इसकी जो है गवाह हूं मेरे घर में एक स्पेशल केस है आर्थराइटिस का वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है कि उनको वो प्राइवेट फीस भी भरी जा रही है हर चीज हो रही है लेकिन फैसिलिटेट वो कुछ भी नहीं कर रहे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बात आती है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज्म है या जैसे आर्थराइटिस की मैंने बात की वो अगर आप अपने स्कूल में ये प्रॉब्लम्स इन बच्चों को नहीं आप केटर uh, करते हैं उनको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी आप क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट नहीं कर रहे क्वालिटी एजुकेशन से आपका सिर्फ ये मतलब है कि हमारा बस करिकुलम चेंज हो गया तो हमारी एजुकेशन गिर गई सही सेकंड क्रिटिसिज्म है कि सोशल स्टडीज उर्दू में है सोशल स्टडीज उर्दू में होने का बहुत बड़ा फायदा है माशरतीलूम मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता थी इस वीडियो बनाने से पहले सोसिक ऑफ मी जब मैं वीडियो बना रही थी उससे पहले मैंने इसकी मीनिंग देखी तो ये दिखा रहा है कि हम अपनी नेशनल लैंग्वेज के कितने करीब हैं पहला तो ये हमारी नेशनल लैंग्वेज प्रमोट कर रहा है और सेकंड सोशल स्टडीज में ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जो कि हमारी खबरों से मिलते हैं इंग्लिश न्यूज चैनल हर कोई नहीं देखता हमारे घरों में वही उर्दू का खबरनामा लगता है जिसके नीचे उर्दू में हेडलाइंस होती हैं तो जब आप खुद ये फर्क महसूस करेंगे जब बच्चे सोशल स्टडीज पढ़ के आएंगे तो उर्दू में वो भी उर्दू में जब वो पढ़ के आएंगे तो फिर वो खबरों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे ठीक है फेडरल जहां पे उसको इंग्लिश में फेडरल कहा जाता है उर्दू में वफाक कहा जाता है तो बच्चों का माइंड इतना बड़ा नहीं होता कि वो खुद ही ट्रांसलेट कर पाए सोशल स्टडीज जब उर्दू में होगी तो वजी दाखिला वफाक इस तरीके के टर्म्स उनके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा तो ये अच्छा इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है उसके बाद कि वन फोर्थ एजुकेशनल पॉलिसी कंप्लीट हो रही है बाकी तीन पॉइंट्स पे काम नहीं हुआ और वो सेकंड पॉलिसी पे काम किया जा रहा है आपने वो कह रहे हैं कि आपने तीन पॉइंट्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन छोड़ दिया एनहेंसिंग क्वालिटी एजुकेशन छोड़ दिया और वोकेशनल ट्रेनिंग्स छोड़ दी सिर्फ एक पे काम किया मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब पहले चारों पे काम नहीं हो रहा था तब सब खुश थे अब जब एक पे काम हो रहा है तब शोर मच गया है कि उस एक पे भी क्यों हो रहा है बाकी तीनों पे क्यों नहीं हो रहा तो कोई स्टेप तो लिया गया है फर्स्ट स्टेप तो लिया गया है रादर देन कि आप इसको बार बार बोलें कि एक चीज पे काम किया गया है अब ये देखेंगे पहले चारों पे नहीं हो रहा था तब तो कोई शोर नहीं था अब मच गए उसके बाद ये कि हैवी इनकर्जन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इन द कोर्स मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्रिटिसिज्म उठा ही क्यों है हमारा जो पाकिस्तान है वो सेपरेट भी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे हुआ था तो अब सेपरेट होने के बाद हम इस्लामिक आइडियोलॉजी को कैसे भूल सकते हैं और ये मुश्किल इसलिए लग रहा है वहां पे लिखा हुआ था कि बहुत मुश्किल उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन डाल दिए ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि ना तो टीचर्स पढ़ाने के लिए राजी हैं ना स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए और ये हमारे लिए अननोन है क्या साइंस का जो टॉपिक है कि एप्पल नीचे क्यों गिरा ग्रेविटेशन का एप्पल नीचे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया ये कॉन्सेप्ट समझना आसान था और इसके अलावा ए फिजिकल टू एम ए जैसे डिफरेंट न्यूटन लॉज समझना आसान थे जो इस्लामियात समझना आसान होगा वो कॉन्सेप्ट भी तो हमने सीखे पढ़ना स्टार्ट किए जब हम उससे नॉन हो गए तो उसके बाद वो हमारे लिए मुश्किल नहीं था जब हम बाकी सब्जेक्ट्स के टफ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो इस्लामियात के भी समझ सकते हैं और ये तो हमारा कोर्स ऑफ लाइफ है जो किताब जो कुरान मजीद हमें पूरा कोर्स बताती है कि आपने रहना कैसे बिहेव कैसे करना है उसी से हम भाग रहे हैं विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग सेकेंडली ये है कि अगर आप ये एक सवाल उठा रहे हैं कि इस्लामिक एजुकेशन क्यों डाली गई है तो फिर इस सवाल का भी जवाब दें कि काफी स्कूल्स में 45 मिनट्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स के पीरियड्स होते हैं लेकिन इस्लामिया का सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होता है पहली बात दूसरा अगर हम म्यूजिक क्लासेस रख सकते हैं और पोएम्स जैसे कि ला बेले डैम सेंस मर्सी मेरी बहुत फेवरेट पोएम है अगर हम ऐसी पोएम्स पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं जो कि बहुत टफ होती है लिटरेचर की पोएम्स तो हम इस्लामियात क्यों नहीं समझ सकते हैं? और ये जो मैंने आगे एक पोएम लिखी ही विशेज फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवंस ये फिफ्थ क्लास में मैं पर्सनली ये पोएम पढ़ा के आई हूँ जब मैंने पोइम पढ़ी तो मुझे नहीं समझ आई मैंने एक रात लगा के इसका एनालिसिस किया समरी देखी और अगले दिन जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा रही थी प्रैक्टिकम के लिए वहां पे मैं समझ के गई और मैंने समझाया तो जब इस्लामियात का कोर्स आएगा तो वो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत तो हम अब भी कर रहे हैं लिटरेचर और साइंस समझाने के लिए तो इस्लामिया के लिए मेहनत करना गलत बात तो नहीं है अच्छा ही फॉर द ऑफ दिस बेसिकली रोमांटिक पोएम और ये फिफ्थ क्लास के बच्चों के सब्जेक्ट में इंग्लिश के सब्जेक्ट में थी तब कोई इशू नहीं था अब जब इस्लामिया के इंकल्जन हम कर रहे हैं तो इशू हो रहा है फिर अः प्राइवेट स्कूल्स में बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स वो देते हैं एज अ रिसोर्स ताकि बच्चों की इंग्लिश हो सके अच्छी हो सके एक जो मैंने पढ़ाया बच्चों को मटिल्डा बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जब हम ये सारे टफ चीजें पढ़ा रहे हैं नॉवेल्स तक हम पढ़ा रहे हैं तो फिर इस्लामियात हम क्यों नहीं पढ़ा सकते या हम इस्लामियात का अगर ज्यादा मुश्किल कोर्स भी है तो हम उसको क्यों आसान नहीं कर सकते जब एक टेम्पो बन जाएगा जब एक दो जनरेशन पढ़ती जाएगी पढ़ती जाएगी फिर ये मुश्किल नहीं रहेगा ठीक है अच्छा ये यहाँ पे मैं इन को पीछे नहीं करी ये सारी मैंने पढ़ी हैं और बहुत अच्छी हैं और बहुत जरूरी है कि इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए आई एम जस्ट कि अगर ये पढ़ा जा सकता है तो इस्लामियात भी पढ़ा जा सकता है अच्छा सेकेंडली ये कि एक बहुत जाना माना स्कूल है ए स्कूल है उसमें बच्चे की जो उसका बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है वहाँ उनकी जो तमाम किताबें हैं वो अच्छे अच्छे पब्लिशर्स की हैं सिर्फ जो इस्लामियात और उर्दू की बुक है वो वो लोग गवर्नमेंट की यूज करते हैं बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की तो जब जहाँ पे आप इस्लामियात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वहाँ पे इन चीजों के ऊपर भी सवाल उठाएं कि फिर आप इस्लामियात और उर्दू को क्यों टफ नहीं पढ़ा रहे जब आप बाकी सब्जेक्ट इतने एहतमाम से पढ़ा रहे हैं सी एस एस में जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा मार्क खाते हैं ऐसे में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अफेयर्स में और इस्लामिया में इस्लामिया टफ हो जाता है बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही इस्लामिया को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा बस कहने को हम नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि अलहमद का जो है तर्जु क्या है हमारे क्लास में टीचर ने पूछा कि अलहमदल सुर फातहा का तर्जुमा बताएं और ट्रस्ट भी दो स्टूडेंट्स के अलावा हम सब टॉपर्स आंखें नीचे करके बैठे थे हम शर्मिंदा थे हमें नहीं पता था उसकी मीनिंग क्या है ठीक है तो ये जब इस तरीके से हमारी जनरेशन पहले से ही ट्रेन होगी तो आगे उनको इतना मसला नहीं होगा हमारी तरफ फिर डू नॉट फॉरगेट कि हमारे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही इस्लामिक आइडियोलॉजी ही इस्लामिकल बेसिस पे हम उन जो है सेपरेट हुए थे तो अब सेपरेट होके हम क्यों वेस्ट को इमिशिएट कर रहे हैं ठीक है डो नॉट फॉरगेट दिस इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जहां पे हमें इस्लामियात पढ़नी है और इतनी ही हैवी पढ़नी है जितनी अब पढ़ाई जा रही है बल्कि इट इज टू लेट कि हमने देर कर दी है ये पहले ही लेना चाहिए था स्टेप उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आप बड़े बड़े स्कूल जो आप जिनको आप बड़ा स्कूल कहते हैं उनकी आप वेबसाइट्स विजिट करें और उनके करिकुलम के पोर्शन में आप जाएं आपको वहां पे क्लियरली पता चल जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने इस्लामियात को नॉन कोर सब्जेक्ट्स में डाला है और किस तरीके से वो बड़ा जो है न्यूट्रलाइज होकर एक मैनिपुलेटिव वे में उन्होंने इस्लामियात के बारे में एक एक पॉइंट पे बात की है वो भी आप जाके देखें हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए इन पाकिस्तान फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म था कि माइनॉरिटीज को फोर्स किया जा रहा है अगर ऐसा है टिक अगर ऐसा किया जा रहा है तो मैं माइनॉरिटीज को ये यहाँ पे कहती हूँ कि आप उन टीचर्स की, उन की आप विडियोज बनाएं उनको वायरल करें उनको आउट करें ताकि गवर्नमेंट इस पर कोई ना कोई स्टेप ले इसके अलावा कोई और इश्यू है तो वो जरूर मुझसे आप शेयर करें ये जो ऊपर मैंने बात बताई वो मैंने मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बताई माइनॉरिटीज को अगर ऐसे कोई इशूज फेस करना है वो कर रहे हैं तो मुझे भी बताए आई एल शेयर इट ठीक है इसके बाद क्रिटिसिज्म एक और था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है काफी एक वो तस्वीर रेगुलेट करी जहाँ पे जो है दुपट्टा पहना हुआ है सर पे अच्छा इस पे बात करते हैं कि कमीज शलवार हमारा पाकिस्तान का एक कल्चरल ड्रेस है ठीक पहली बात सेकंड ये कि अगर उन्होंने सर पे हिजाब लिया है तो इस्लाम भी हमें कहता है कि आप हिजाब लें अब काफी लोग नहीं लेते मैं भी नहीं लेती और बहुत सारे लोग नहीं लेते तो और बहुत सारे लोग लेते भी हैं तो जो किताबें हैं उनमें हर तस्वीर में हिजाब नहीं लिया गया सिर्फ कुछ स्पेसिफिक तस्वीरों में उन्होंने हिजाब लिया है और इसमें आप ये देखें कि अगर आप दुपट्टा नहीं लेते और आप कहते हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनाया गया एंड ऑल दैट और लड़कों को जो है कुछ नहीं कहा जा रहा तो बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जो बहुत इस्लामिक हैं और जो बहुत मॉडस्ट हैं इन चीजों में तो आप उनका भी तो ख्याल रखें आप ये सोचें जब वो फैमिलीज जो अपने घर में दुपट्टे इस्तेमाल करती हैं जो अपनी बेटियों को कहते हैं कि आप सबके दुपट्टे लें, जब वो करिकुलम देखेंगी तो उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी कि करिकुलम में हिजाब भी डाला गया है तो वहां पे कहीं पे हिजाब नहीं है कहीं पे है इसको कोई प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने हिजाब दिया है मेरा एक स्टूडेंट मुझसे पूछते है, टीचर आप सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेती मैं उसको आंसर नहीं कर पाती क्योंकि मैं जितना भी उसको स्ट्रॉन्ग आंसर करूँ वो फाइनली वही ले आएगा कि मैं तो अपने घर में देखता हूं या फिर इस्लाम में भी तो कहा गया है तो मैं उसको आंसर नहीं करती ना ही मुझे उसके क्वेश्चन का कभी बात पूरी लगी वो बच्चा है वो अपने घर में देखता है कि मेरी दुपट्टा पहनती है अब आप ये सोचें ये जो बच्चा मुझसे ये सवाल करता है इसकी फैमिली जब ये करिकुलम देखेगी जिस पे हिजाब बना हुआ है तो वो भी तो कितने खुश होंगे जहां पे आप अपने लिए मांगते हैं वहां पे आप दूसरी फैमिली को भी देखें ठीक है सेकेंडली जॉब्स इसमें एक और क्रिटिसिज्म बताया गया कि जॉब्स इसमें जो है इस किस्म की बताई गई हैं एंड ऑल दैट जो वुमेन है वो सिर्फ टीचिंग करें एंड ऑल दैट तो इस पे सिर्फ एक बात मैं कहूंगी पहले तो वुमेन कुछ भी कर सकती हैं आप पायलट तक बन सकते हैं हर कुछ कर सब कुछ कर सकते हैं मैं इस पे बात नहीं कर रही लेकिन ये एक सोसाइटल सिर्फ बात कही जाती कि है कि क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो मदर्स होती हैं और वो नरिश अच्छे तरीके से कर सकती है बच्चों को तो वो अच्छी टीचर्स बनती है ये कहा जाता है विच इज नॉट रॉन्ग ये गलत बात भी नहीं है यहाँ पे बताने का ये मकसद है कि काफी सोसाइटल बातें हैं जो आपने जिनके ऊपर जो है विक्टिम कार्ड्स प्ले करके और वो करिकुलम के ऊपर आपने फेंक दिए कि ये यहाँ पे इस तरीके को इन चीजों को प्रमोट कर रहा है दुपट्टे को प्रमोट कर रहा है तो सबमिशन को प्रमोट कर रहा है विच इज रॉन्ग ठीक है इन छोटी छोटी चीजों का मसला बनाने की जरूरत नहीं है अच्छा आ, यहाँ पे एक मैं आई बटन में लिंक लगा देती हूँ इमरान खान की एक वीडियो है नॉट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी एक वीडियो है वो इस पे बात कर रहे हैं आप वो वीडियो देख लें इससे मुझे बात करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही फिर नेशनल करिकुलम क्यों जरूरत जरूरी था पहले तो एजुकेशनिस्ट जितने थे ये उनकी ही रट थी कि एक नया करिकुलम आना चाहिए क्योंकि करिकुलम आउटडेटेड है जहाँ पे हम खैबर अब कहते हैं करिकुलम में एनडब्ल्यू है जहाँ पे नए नए कंप्यूटर वर्जन आ रहे हैं वहां पे करिकुलम हमारा आउटडेटेड हो चुका है अभी तक जो है रिचेस्ट मैन जो है बिल गेट्स आ रहे हैं हालांकि वो इंफॉर्मेशन चेंज होती जा रही है ना तो ये हमारी ही रट थी कि हम एक नया करिकुलम ले आए फिर बड़ा स्कूल स्कूल छोटा सिस्टम जो कि हम कहते रहते हैं दो पेरेंट्स भी जब आप देखें आपस में मिलेंगे जिनके एक के बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में होगा और दूसरे का प्राइवेट में होगा तो उनके भी आपस में वो इन्फीरियर एक दूसरे के सामने एक सुपीरियर फील करता है एक इनफीरियर फील करता है वो स्कूल सिस्टम हटाने के लिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव कोर्स कम हो आप मैं एक लिंक डाल दूंगी आप जाके देख लें एक क्लास का वो जो कोर्स सब्जेक्ट्स का कोर्स बनता है जाके वो फोर हंड्रेड का बनता है ठीक है गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वो फ्री है प्राइवेट के लिए वो फोर हंड्रेड का बनता है और सोशल क्लासेस खत्म हो वो क्लासेस जो के अभी से गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की होती हैं और वो ये मुकाबला चलता है यूनिवर्सिटीज तक और तब भी वो दो बच्चे आपस में कभी सेट नहीं हो पाते ये आपने देखा भी होगा ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं तो ये सोशल क्लासेस खत्म करने के लिए भी इस करिकुलम का आना जरूरी था फिर ट्रेंड्स और कार्ड्स माफिया की बात करते हैं पहले तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप ये विक्टिम विक्ट खेलें, खेलें वो जिस तस्वीर में वो नीचे बैठी हुई थी तो वो सबमिट कर रही है वो सबमिशन की तरफ जा रही है ये बिल्कुल गलत बात है नीचे बैठने से अगर वो तस्वीर दिखा रहे हैं ऐसी बहुत सारी और तस्वीरें हैं जहां पे ऊपर भी बैठी हुई है वुमेन और जहां पे मर्द नीचे बैठे हुए हैं तो ये कोई काम कहने वाली बात नहीं एक स्टूपट सी बात है फिर उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात कही कही जा रही है कि इमरान खान कहने को तो वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन अथॉरिटेरियन रूल चलाते हैं वो करिकुलम इंपोज कर रहे हैं तो ये करिकुलम इमरान खान ने बैठ के खुद नहीं बनाया इसमें कंसल्टेशंस हुई हैं आप फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे भी जाएं वहाँ पे कंसल्टेशंस लिखी गई हैं और एक करिकुलम जो है एक बंदा नहीं बनाता मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें करिकुलम डेवलपमेंट की मैंने बात की थी कि आ, किन किन स्टेप से गुजर के और कौन कौन लोग इस पर बैठते हैं तो ये जो है इम्पोज करने की बात नहीं एक नया इनिशिएटिव आया है बजाय इसके कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें और बैठ के उसकी गलत चीजें निकाल के और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं सही तरीके से आप उसमें ये बातें कर रहे हैं तो विच मीन्स कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते फिर ट्रेंड को फॉलो ना करें इसमें मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी कि मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर देखी ये अ नेशन स्ट्रेंथ ये एक पोएम है और यहाँ पे उन्होंने पोस्ट पे क्या लिखा था कि इस पोईम में उन्होंने मैन को प्रमोट किया है मर्दों को प्रमोट किया है वहां पे आप देखिए लिखा हुआ है नॉट गोल्ड बट ओनली कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड एंड हु फॉर ऑनर सेक और इस तरीके से नीचे आप देखें ब्रेव मैन दोबारा लिखा हुआ है तो ये पोएम भी इमरान खान ने खुद नहीं लिखी ये राल्फ वोल्डो एमरसन नीचे पोइट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैन से पोएट क्या बताना चाह रहा है कि एक कंट्री एक कंट्री या एक नेशन की जो स्ट्रेंथ है वो सोने चांदी से नहीं बल्कि लोगों से बनती है ठीक है ये मर्दों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो सकता है फॉर राइम करने के लिए उन्होंने मेन का वर्ड यूज किया हो लेकिन आप इसकी पोएम की समरी में जाके देखें या एनालिसिस करें पोएम का तो यहाँ पे मेन से मतलब है लोग किसी भी नेशन के लोग मर्द यहाँ पे वो नहीं बता रहा कि मैन का मतलब है मर्द और इस करिकुलम का एक सबसे जबरदस्त जो फायदा हुआ है ना वो ये कि जो माफिया मोनोपली चल रही थी ना वो खत्म हो गई और इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल डोमिनेंसी चल रही थी एक्सपेंसिव एजुकेशन चल रहा था ये सारी चीजें खत्म हो गई ठीक है ये मैंने पहले भी बता दिया आपको अब हमें समझना क्या है कि पेडोगोलॉजी मैटर करती है कॉन्टेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है पेडोगॉजी आप अपनी अच्छी रखें आप अच्छा सिस्टम चलाएं तो आप क्वालिटी एजुकेशन कभी भी नहीं गिरेगी ठीक है एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग ये रोना बंद कर दें कि एक पॉइंट पे बात हुई है और बाकी तीनों पे नहीं एक तो इनिशिएटिव लिया गया है ना कुछ तो चेंज हुआ है और इस वक्त

ये नहीं हो सकता कि सारा करिकुलम बंद कर दिया जाए और ये जो नारे इस वक्त लग रहे हैं दे आर कम्प्लीटली रॉन्ग थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक दीडियो इफ यू लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दिस इज द टाइम एन एजुकेशनल कॉन्टेंट नीज टू गेट प्रोमोटेड